हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। मैं टीना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल व्रत त्यौहार और कथाएं में। मित्रों, कब है चैत्र पूर्णिमा, इसकी सही डेट क्या है, इसकी पूजा विधि और इसके शुभ मुहूर्त की इस वीडियो में बात करेंगे। हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा का खास महत्व है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखने वाले लोगों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। आइए मित्रों, जानते हैं इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। सनातन धर्म में पूर्णिमा का बड़ा महत्व माना जाता है। वैसे तो हिंदू पंचांग के मुताबिक पूर्णिमा की तिथि किसी माह का आखिर दिन होता है। हालांकि हिंदू नववर्ष में चैत्र पूर्णिमा पहली पूर्णिमा मानी जाती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान और दान, इसके अलावा भगवान सत्यनारायण की विधि विधान पूर्वक पूजा आराधना की जाती है। इस बार चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती का भी त्यौहार मनाया जाएगा। इतना ही नहीं, धार्मिक मान्यता के मुताबिक चैत्र पूर्णिमा का व्रत रखने वाले मनुष्य पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। आइए मित्रों, जानते हैं कि चैत्र पूर्णिमा की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त समेत इसके सब कुछ बातें। मित्रों, चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 5 अप्रैल सुबह 9:19 से प्रारंभ हो रहा है, जो कि 6 अप्रैल सुबह 10:07 पर समाप्त होगी। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक 5 अप्रैल को पूर्णिमा का व्रत रखना उत्तम रहेगा। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की विधि विधान से पूजा की जाती है और अर्घ्य दिया जाता है। 6 अप्रैल को उदया तिथि के अनुसार पूर्णिमा का दान और स्नान किया जाता है। फिर मित्रों, इस प्रकार से आप पूजा करेंगे तो आपकी दरिद्रता दूर होगी। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन शुभ मुहूर्त में भगवान सत्यनारायण की पूजा आराधना करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि पर पवित्र नदियों में स्नान करना भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है और समस्त पापों का नाश होता है। इस दिन स्नान ध्यान करने के बाद जरूरतमंदों को जल से भरा कलश, मिट्टी की सुराही और चावल दान करने से घर से दरिद्रता दूर होती है। चैत्र पूर्णिमा पर मित्रों, आप ये कुछ उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो भी आप आजमा सकते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन माता की कृपा प्राप्त करने के लिए सुबह स्नान के बाद पीपल के पेड़ में सफ़ेद रंग की मिठाई चढ़ाएं और जल अर्पित करें। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति बेहतर होती है। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए मित्रों, चैत्र पूर्णिमा के दिन रात्रि में माता लक्ष्मी को खीर या कोई सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं। इससे धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होगी और उनकी कृपा से जातक का घर धन धान्य से भरा रहता है। अगला उपाय है मित्रों, मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए चैत्र पूर्णिमा के दिन उन्हें 11 कोड़ियाँ अर्पित करें और हल्दी का तिलक लगाएं। फिर इसके अगले दिन कोड़ियों को किसी लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से धन में बरकत होती है। अगला उपाय है मित्रों, वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर करने के लिए भी पूर्णिमा तिथि बेहद खास होती है। चैत्र पूर्णिमा के दिन पति पत्नी साथ मिलकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है।
इस प्रकार से मित्रों मैंने आपको इस वीडियो में पूर्णिमा तिथि कब है, इसकी क्या सही डेट है, इसकी पूजा विधि और शुभ मुहूर्त और इसके कुछ उपाय बताए हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन क्या हमें उपाय करने चाहिए वो बताए हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। भगवान विष्णु आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करे, भगवान बजरंग बली आपकी हर एक मनोकामना को पूर्ण करे, हर एक समस्या से आपको छुटकारा दिलाए। जय बजरंग बली।